एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12। तो यार भाई हमारा YouTube का फर्स्ट पेमेंट आ गया, आप देख सकते हो और आपको पता ही चल गया होगा पहले ही थंबनेल वगैरह देखकर। ओके, तो आज मुझे यह बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि हर यूट्यूबर का सपना होता फर्स्ट पेमेंट का, तो मेरा फाइनली आ चुका है। कितना दिनों में आया और कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम हुआ ये भी बताऊंगा, तो वीडियो स्किप मत करना, पूरा देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा अगर आप भी यूट्यूब पर काम करना चाहते हो तो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, पूरा काउंट करके भी दिखाऊंगा कितना पेमेंट आया है। ओके, पूरा बताऊंगा कितना आखिर पेमेंट आया और कितना दिन लगा मैंने चैनल पर, कितना दिन काम किया था और स्विप कोड वगैरह भी कहाँ कहाँ डाला था। पेमेंट आया जो 21 तारीख को रिलीज कर देता है गूगल, लेकिन पेमेंट कब आया ये भी बताऊंगा, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ मेरे साथ, तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। सबसे पहले मैं बता देता हूँ अपने चैनल पर कितना दिन मैंने काम किया था। तो यार मैं 3 साल से इस चैनल पर काम कर रहा हूँ, तभी ये मेरा फर्स्ट पेमेंट अभी जाके आया है 2024 में। मैं 3 साल से इस चैनल पर वर्क किया हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल मेहनत किया हूँ, तो अभी तक बहुत दिन मेहनत करने के बाद ही पेमेंट आया है मेरा। किसी किसी का तो 1 साल 6 महीना वगैरह में वीडियो वायरल वगैरह हो जाने से आ जाता है पेमेंट। भाई मैंने आपको दिखा दिया, स्विफ्ट कोड की बात करें सबसे ज़्यादा डाउट यही रहा था मेरे मन में भी, बहुत ज़्यादा डाउट था कि स्विफ्ट कोड कहाँ का डालो। तो सबसे पहले आपको अपना बैंक में जाना है, एक बढ़िया सा बैंक जो प्राइवेट बैंक है तो सबसे बेस्ट होता है। क्या सबसे पहले आपको बैंक जाना है अपना और मैनेजर से बोलना है कि मुझे यूट्यूब का पेमेंट वगैरह आने वाला है गूगल से, तो मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए। ओके, तो आपको वहाँ जब पूछेगा आपका चैनल क्या है, तो मेरे से भी पूछा था कि आपका क्यों आने वाला है, क्या करते हो, तो मैंने बताया मेरा यूट्यूब का चैनल है। तो मैनेजर यूट्यूब का चैनल चेक किया, उसके बाद बोला ठीक है, उसके बाद वो आप मेरा अकाउंट के अंदर ही वहाँ पर लिख दिया स्विफ्ट कोड। तो मैनेजर के पास जाना है, मेरा पेमेंट आने में कितना दिन लगा, 21 तारीख को मेरे पास ईमेल आ गया था कि गूगल से पेमेंट रिलीज कर दिया गया, बट आया नहीं था 26 तारीख तक। वेट किया संडे वगैरह, सैटरडे, ये सब 2-3 दिन होली का छुट्टी वगैरह आ गया था इस बार मार्च में, तो 3-4 दिन छोड़ के मेरा पेमेंट 29 को आया था। अगर आपका 26 तारीख के बाद पूरा वर्किंग डेज 5 दिन वर्क हो जाए, 26 तारीख के बाद अगर आपका पेमेंट ना आए, तो आपको एक बार ब्रांच जाना है और बताना है कि मेरा पेमेंट आने वाला है। तो वहाँ बताया कि वेट करो, 2-3 दिन में आ जाएगा पेमेंट, अभी होली का सैटरडे का संडे का 3 दिन बंद था, तो आपका पेमेंट आने में डिले हो गया, आप निश्चिंत होकर जाओ अपना अकाउंट के वगैरह देख लो सही है, तो आपका पेमेंट आ जाएगा। ओके, यही सुनकर मैं आ गया घर और 2-3 दिन बाद लगभग 29 तारीख को मेरा पेमेंट आ गया था, 29 मार्च को पेमेंट मेरा आ गया, तो बहुत ज़्यादा खुशी। आपको पता ही होगा फर्स्ट पेमेंट की खुशी कितना ज़्यादा होता है और कितना ज़्यादा इंतजार मेहनत वगैरह लगता है फर्स्ट पेमेंट, और ये सारा सचिव आप मुमकिन हो गया आप सबके प्यार एंड सपोर्ट की वजह से। तो इसी तरह शेयर एंड सपोर्ट कर बनाए रखना ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे कॉन्टेंट दे सकूँ। मेरा फर्स्ट पेमेंट कितना आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 10,000 है लगभग, तो उसे आपको थोड़ा कम ज़्यादा कर लेना, 100 रुपया ज़्यादा कर लेना। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, मैंने आपको पूरा डिटेल बताया मोबाइल फर्स्ट पेमेंट का जर्नी वगैरह। ओके, कितना दिन में पेमेंट आया, कितना दिन मैंने वर्क किया, स्विफ्ट कोड कहाँ से डालना पड़ता है और ये फोन बाद कितना दिन में मेरा बैंक अकाउंट पहुँच गया सकते थे। तो आई होप वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करना, जेन्युइन और रियल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।